प्रश्न, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं? संगम युग पर किस विधि से आप अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, हृदय को शुद्ध व पवित्र बना सकते हैं? क्या करेंगे आत्मा समझ के? याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन, ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वो थाली धोकर भी पी लेते हैं। क्या समझ आया? याद में रहकर भोजन बनाओ। अपना हम गीत चला देते हैं, हम भोजन बनाते रहते हैं, बाबा का गीत गाते रहते हैं, तो ठीक नहीं है। सारी आत्माओं को बाबा के बच्चे हैं सारे, बाबा की याद में जब हम भोजन बनाएंगे तो ध्यान रहेगा कि भाई जी बाबा कह रहा है क्या भाई जी जैसे कह रहे ना कि जैसा खाओगे अन्न ऐसा हो जाएगा मन। बात ये बना नहीं, ये बात बताओ बहन जी, वो सारी बात ठीक है, पहले ये बताओ कि बाबा कहते याद में रह के भोजन बनाओ, तो हम भोजन बनाते समय याद क्या करें? गीत गाएं, कोई कमेंट्री सुने, क्या करें? भाई यूं कहें मैं आत्मा अपने पिता के लिए परम पिता का खाना बना रही हूँ, इसी प्रकार जैसे बच्चों के लिए कहते हैं इनको ये खाना बहुत पसंद है मेरे बच्चा को, तो ऐसे ही मेरे बाबा को ये खाना पसंद है, बड़े मन से बना। बाबा खाता नहीं कुछ भी, बाबा खाता कुछ है नहीं, उसको क्या पसंद? उसके लिए हलवा बनाओ तो चाहे करेले की सब्जी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है उसको? उसने खाना ही नहीं है कुछ। बाबा तो भाव का विचार है, क्या करना है उसने भाव को? तो खाना कुछ है नहीं, जो मर्जी बना के रख दो, नमक कम डालो, नमक ज्यादा डालो, मिर्च डालो, खट्टा डालो, क्या डालो, बाबा को क्या फर्क पड़ता है? उसने खाना नहीं, उसने टेस्ट नहीं करना कि आपने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। भाई जी वो तो भावना का भाड़ा देती है, भावना से बनाया खाने तो अब बहन जी बात सारी मैं समझ रहा हूँ, आप भावना करते रहो, पर तो बाबा तो खाता ही नहीं, अब भोगता है, कहता मैं तो बिल्कुल, फिर किस बात का भावना का भाड़ा देगा वो? क्योंकि यथा तो दे दिया है, फिर शरीर दे दिया तो दे दिया, अब भोजन बनाओ पहले तो शरीर को क्या करें हम? शरीर दे दो बाबा को। बात तो सारी है कि याद में रहकर भोजन बनाओ, मेरे को ये बताओ कि याद में रहकर हम भोजन कैसे बनाएंगे? मुक्ति में रहे आत्माओं के लिए भोजन बना रही हूँ, भोजन जो कुछ आत्माओं के लिए बाबा डालना है। पहली बार हमने भोजन वो जो बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाने की, पहले तो हम भोजन को सिलेक्ट करें कि क्या चीज सिलेक्ट करनी है भोजन बनाने के लिए, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही वो भोजन तैयार करने के में उठाना है जो बाबा की श्रीमत है, और फिर हम आत्मा समझकर बना रहे हैं। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हम किसी भी आकर्षण से, फिर हमें बनाना है और केवल बाबा के शरीर के लिए, बाबा ने खाना, हमने बाबा के शरीर को खिलाना है, और शरीर हमने किराए पर लिया हुआ है, उस शरीर को बाबा के शरीर लिए ठीक है, ताकि ये शरीर बाबा का स्वस्थ रहेगा जो मैंने किराए पर लिया हुआ है, तो मैं ज्यादा समय तक अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकूंगा। ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मैं भाग्य कैसे लिखूंगा? इस शरीर को क्या खिलाना है पहले वो बाबा की श्रीमत अनुसार सिलेक्ट करना है, और इस शरीर लिए बनाना है, ये शरीर बाबा का है, ये बाबा के शरीर के लिए बनाना है। और भी सारे जो बाबा हैं, बाबा के शरीर, उन्होंने भी बाबा को शरीर दे दिया है, हमने उनके लिए खाना बनाना है, खाना आधार वही है कि जो बाबा की श्रीमत के अनुसार मिला है, बाबा ने नहीं खाना, खाना हम बच्चों ने ही है, ठीक है कि नहीं? देह के संबंध वालों के लिए भोजन नहीं बनाना। यदि हम देह के संबंधियों के लिए भोजन बना रहे हैं, बाबा उठ के चला जाएगा, बना ले जाए, खिला ले अपने पति को,
खिला ले अपने लाडले बेटे को, खिला ले। रूठ जाता है, इतना जल्दी रूठ जाता है, मतलब उसके रूठने का मतलब है कि हमारा भाग्य लिखा जाना खराब हो गया, हम अपना भाग्य ठीक नहीं लिख रहे। वो रूठता नहीं है पर तो वो चला जाता है, फिर हम उसको बुलाए तो आ जाता है फटाफट, मतलब आने में देरी नहीं करता, जाने में भी देरी नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखनी, मतलब देह के संबंधियों के लिए खाना नहीं बनाना, बाबा के शरीरों के लिए खाना बनाना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार भोजन सिलेक्ट करना है, बड़े शांत मन से खाना बनाना है। हमारे मन में कोई टेंशन ना हो, उलझन ना हो, क्योंकि टेंशन या उलझन है तो समझ लो कि हम देह अभिमान में हैं, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही टेंशन उलझन भागम भाग तेजी होती है। बाबा की श्रीमत पर है तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई भागम भाग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम जल्दबाजी में खाना बनाएंगे, देह अभिमान में खाना बना रहे हैं, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। हम बड़े शांत मन से खाना बना रहे हैं, अच्छा बनेगा, बिगड़ने का कोई मतलब ही नहीं है उसके अंदर। तो हमारा शांत मन से खाना बनाना है, खुश होकर के खाना बनाना है, एकदम किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं हो, और बाबा के शरीर के लिए, शरीरों के लिए, और बाबा की श्रीमत अनुसार बनाना, यह है बाबा की याद में खाना बनाना, ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। नहीं तो रोटियां जलती जाएंगी, एक तरफ से कम सिकी होगी, एक तरफ से ज्यादा सिकी होगी, या तो उसमें नमक मिर्च कम होगा या ज्यादा हो जाएगा, या कच्ची आधी पक्की हो जाएगी, या बिल्कुल गल कर क्या का क्या बन गया होगा, मतलब जल्दबाजी वाला काम ऐसा ही। तो इसलिए हम अच्छी तरह समझते हैं कि बहुत शांत मन से बनाना है। नेक्स्ट है फिर याद में खाओ, याद में खाओ, बाबा की श्रीमत के अनुसार खाना माना, खुशी के साथ खाना, हमारी बुद्धि इधर उधर भटक नहीं रही हो, व्यर्थ चिंता नहीं कर रही हो, व्यर्थ बातें नहीं सुन रही हो, व्यर्थ बातें नहीं कर रही हो। जब हम शांत मन से भोजन को चबा चबा करके खाएंगे तो उसमें हमारा सलाइवा बहुत अच्छा मिक्स होगा, और उसके अंदर जो हम खा रहे हैं वो सलाइवा मिक्स होगा, नहीं तो हम टेस्ट कुछ और ले रहे हैं, हमारे संकल्प कुछ और चल रहे हैं, सलाइवा कुछ और आ रहा है, खा कुछ और रहे हैं, तो वो कुछ बनेगा और वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचेगा नहीं, क्योंकि खाते समय जैसे हमारे संकल्प होते हैं वो भी हमारे सलाइवा को बनाते हैं, और देखते समय, चर्चा करते समय, हम संकल्प करते समय क्रोध के विकार के संकल्प कर रहे हैं तो वो भी हमारे सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो भी हमारे भोजन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और वो हमारे विकार को बढ़ाते हैं। क्रोध में भोजन खाएंगे क्रोध को बढ़ाएगा, काम में भोजन खाएंगे तो काम विकार को बढ़ाएगा, लोभ में मोह में जिसमें भी हम विकार में भोजन खाएंगे वो विकार बढ़ेगा, वो भोजन उस विकार को पोषित करेगा। तो इसलिए बहुत शांत मन से भोजन को स्वीकार कराना है शरीर को, ठीक है, और उसके बाद उतना खाना है जितना शरीर के लिए और टेस्ट के लिए नहीं खाना है, केवल जीने के लिए खाना, जितना सुचारू से चले। आज तक का रिकॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि कम खाने वाला कभी नहीं मरा, परंतु ज्यादा खाने वाले मरे, ज्यादा खाने से बीमारियां होती हैं, कम खाने वाले को कभी बीमारी नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं कम, मतलब आपको चार रोटी खानी है आपने तीन खाई है बहुत है, एक रोटी की जगह छोड़ दो शरीर में, और नहीं करो कभी भी, फुल नहीं करो, अब और नहीं जा सकती, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं करो, बोले ये बात जब अपने जीवन में हम लाएंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखदायी बनेगा। याद में खाओ, हृदय शुद्ध हो जाएगा, आप शांत मन से बनाया खाना, शांत मन से खाया तो आप सबके साथ व्यवहार शांति से, क्योंकि उस भोजन ने आपके अंदर शांति को ही डेवलप किया है। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन, ब्रह्मा भोजन, पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद। तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताएं कब खा सकते हैं?
ये होता है देवताएं आकर भाषणा लेते हैं। जो ब्रह्मा बाबा को भोग लगाने के लिए भेजते हैं, शिव बाबा नहीं खाते हैं, खाता ब्रह्मा भी नहीं है, खाते वो भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में भोग जाता नहीं है। सूक्ष्म वतन में केवल और केवल यदि एक्चुअल में कोई संदेशी है तो वो उस भोजन को लेके जाती है, जैसे यहाँ से जाने वाले वहां से सूबी रस पी के आते हैं और एक कतरा उनके शरीर में नहीं जाता। ऐसे ही बाबा कहते सूक्ष्म वतन में सूबी कोई पेड़ तो है ही नहीं जिसका सूबी पिलाया जाए, ठीक है कि नहीं। ये केवल एहसास होता है, महसूस होता है, दिखाई देता है, जैसे स्वप्न में हम कुछ करके आए हों, परंतु वास्तव में हमने कुछ भी नहीं किया होता। तो इसी प्रकार से सपने में भी खाना खाया होता है, तो ऐसे ही जो देवी देवता बनने वाले हैं, एडवांस पार्टी एडवांस स्टेज की जो आत्माएं हैं, वो सूक्ष्म वतन में जब उनको भोग लगाया जाता है तो उनको केवल स्वप्न की तरह वहाँ खाने को महसूस होता है, बाकी खाते नहीं। उनको होता है कि भी हमने वो भोजन खाया जैसे सपने में खाया। तो ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वो थाली धोकर भी लेते, क्योंकि वेस्ट नहीं करेंगे इतना वैल्यूएबल भोजन, और उसको वेस्ट क्यों किया जाए। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि बाबा की याद से एकदम बड़ा विधि पूर्वक बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाया गया है।